हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका फिजियो डॉक्टर सुनील बघेल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक आपके लिए पेशेंट रिव्यू का वीडियो लेकर आया हूं, और जो कि बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, जिसमें कई बार पेशेंट्स को जो आते हैं मेरे पास, उनको कंप्लेंट ये होती है कि उनको लास्ट 2 डे 3 डे 4 डे या लास्ट नाइट से ही उनके नेक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया है, और जिसके कारण वो अपनी गर्दन को जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का फिर से यही मोटिव है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि गर्दन लग गई है या सोने में उन्हें पता नहीं रहता, क्योंकि जब हम नींद में होते तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा पोस्चर किस तरीके का है और किस तरीके का हमें रखना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि या तो बहुत बार ज़्यादा पिलो लेने के कारण, या फिर पिलो बिल्कुल कम लेने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर गर्दन नींद में तिरछी या टेढ़ी किसी भी पोजीशन में, अगर वो गलत पोजीशन में गई है और कंटिन्यूस अगर उसी पोजीशन में रह गई है, तो पर्टिकुलर मसल्स पे बहुत ज़्यादा खिंचाव लंबे समय तक आने के कारण उस मसल्स में स्ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, और सुबह तक देखते हैं कि उस मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो गया है, बहुत ज़्यादा कड़क और स्वेलिंग वगैरह आ गई, जिसके कारण आप गर्दन को जरा सा भी मूव नहीं कर पाते। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे क्लिनिक पे रिसेंट आए थे, और जिनका मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम थी, जरा सी भी गर्दन वो मूव नहीं कर पा रहे थे। तो उनका एक ही सीटिंग में काफ़ी कुछ पेन ख़त्म हो गया है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी मशीन, सिर्फ सिंपल कुछ एक्सरसाइज से, टेक्निक से, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको करवाते हैं। और कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो एक अच्छे प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, उनसे ट्रीटमेंट लें। कई बार होता यह है कि हमें पेन है तो हम सबसे पहले पेन किलर्स का यूज़ करने की सोचते हैं, या फिर नॉर्मल फिजिशियन के पास जाने की सोचते हैं। तो होता यह है कि जो मसल्स में स्ट्रेन या स्पाज्म हुआ है, वो कई बार समय के साथ इतना बढ़ जाता है, जब आप मेडिसिन लेते रहते हैं तो पेन आपको कम होता है, बट वो स्पाज्म और वो स्ट्रेन जो मसल्स में खिंचाव आया हुआ है, वो कभी भी नहीं जाता है। तो इसीलिए मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि आपको कभी भी इस तरीके की दिक्कत हो तो डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, वो आपकी समस्या को देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट बताएगा, और आप बहुत जल्दी बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के और बिना बाकी के खर्चे के ईजिली बहुत जल्दी आप अपने दर्द से निजात पा सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि पेशेंट को कितना जल्दी रिलीफ हो जाता है सिर्फ फिजियोथेरेपी से। और हमेशा की तरह कहूँगा, फिजियोथेरेपी पे विश्वास रखें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, अब टच करना लेफ्ट साइड, ठीक है, इतनी जा रही है। राइट साइड में नहीं जा रही, राइट साइड में पेन हो रहा है। कहाँ पे पेन हो रहा है? ये इस जगह पे, ठीक है। अब धीरे से लेफ्ट साइड गर्दन आफ्टर वन सेटिंग, वेरी गुड। राइट साइड रिलैक्स होके, वेरी गुड, ठीक है। A few days back, मेरे नेक में बहुत पेन था, जिसके कारण मेरी नेक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी, और आई थिंक बैड स्लीपिंग पोजिशन के कारण मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। मैंने फिर फिजियोथेरेपी सेंटर सर्च किया, एंड मुझे किसी ने रिकमेंड किया रिकूप सेंटर के लिए, जहाँ पे मेरा इलाज डॉक्टर सुनील बघेल ने किया। उसके 3 सेशंस मैंने लिए, एंड मेरा सिर्फ फर्स्ट सेशन में इतना रिलीफ हो गया, पर फिर भी मैंने 2 सेशंस और लिए, मुझे 100% रिलीफ हुआ उससे, 100% रिलीफ हो गया, जिसके कारण मेरी नेक मूवमेंट बिल्कुल अच्छी हो गई।